धारें ये भोला प्रसाद सिंह सामाजिक चेतना के प्रतीक और समाज के लिए सही दुख दर्द पालने वाले श्री भोला प्रसाद सिंह जी से आग्रह है कि मंच पर आवें। क्या बहुत सुंदर है पूज्य पिता श्री डॉक्टर सीताराम दीप के सारे मित्र उनकी स्मृति में आयोजित इस सभा में आए हुए जितने भी उनसे जुड़े हुए लोग उन सबको हार्दिक उन सबका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे गौरव बोध है कि मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ और अपनी दो बातें कहना चाहता हूं। इस सभागार का आलिशान स्वरूप और उसमें बैठे हुए कुछ लोग यह ध्यान की तो आता ही है कि यह एक राजनीतिक सभा नहीं है, यह एक संत साहित्यकार की स्मृति में आयोजित एक गोष्ठी है, साहित्यकारों का समागम है और एक श्रद्धांजलि सभा है। ये मैंने इसलिए कहा कि इस सभा को हम लोग औपचारिक न होने दें कि बहुत सारी घबराहट होने लगी कि मोमबत्ती क्यों नहीं आई और वो घी कहीं छूट गया और कहीं कुछ हो गया। मेरा ये मानना है, हम लोग सब पूरब के लोग हैं, हम ये मानते हैं कि स्पिरिट है, आत्मा है, उसमें हमारा भरोसा है, उसमें हमारी श्रद्धा है। तो हम ये मानते हैं कि इस सभा कक्ष में, इस सभागार में परम श्रद्धेय डॉक्टर अरुण कुमार जी, डॉक्टर जितेंद्र सहाय जी और जिनका नाम मैं नहीं भी ले पा रहा हूँ, वो सारे परम श्रद्धेय हमारे पिता के मित्र यह मान लें कि डॉक्टर सीताराम जी यहाँ हैं और वो उनको देख रहे हैं। 1989 से लेकर आज तक इसको ये पारिवारिक कह लें, क्योंकि साहित्य का भी, हिंदी साहित्य का भी एक परिवार है और वो परिवार डॉक्टर सीताराम जी की पुण्य स्मृति में जुटता है, एक जगह कुछ कविताएं पढ़ता है, कुछ अपनी बातें कहता है। आज ये मौका है, आज हमारे लिए गौरव बोध है कि हमारे पिता के बहुत ही पुराने मित्र हुआ करते थे अरुण कुमार जी आज मंच पे हैं और मैं उनको संबोधित हूँ। तो मैं आपको अरुण कुमार जी को हाजिर नाजिर मानते हुए, कहते हुए, उनको संबोधित करते हुए आप सब लोगों से दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ जो एक पत्रकार के नाते मैं महसूस करता हूँ। अभी मुझे ये लग रहा था